शामला हिल्स के बाणगंगा और पॉलिटेक्निक के बीच बीआरटीएस कॉरिडोर में गुरुवार शाम 7:30 बजे के करीब बाइक और एम्बुलेंस में आमने सामने भिड़ंत हो गई। इसमें बाइक सवार युवती समेत दो लोगों की मौत हो गई, जबकि दो लोगों को नाजुक हालत में हमीदिया अस्पताल में भर्ती कराया गया है। थाना प्रभारी उमेश यादव द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार एक एवेंजर पर एक युवक और तीन युवतियां रोशनपुरा की तरफ जा रहे थे। बाइक बीआरटीएस कॉरिडोर की डेडिकेटेड लेन में चल रही थी, यहीं तेज रफ्तार एम्बुलेंस ने बाइक को सामने से टक्कर मार दी। हादसे में बाइक चला रहे युवक और एक युवती मौके पर ही मौत हो गई। गंभीर रूप से घायल दो युवतियों को हमीदिया में भर्ती कराया गया है। टक्कर इतनी भीषण थी कि टक्कर में बाइक का आगे का पहिया गाड़ी से ही अलग हो गया। जानकारी के अनुसार हादसे में बाइक सवार ड्राइवर साइड में टकराया। एम्बुलेंस की स्पीड इतनी ज़्यादा थी कि उसका बोनट बुरी तरह से दब गया, जबकि बाइक का अगला पहिया टूटकर अलग हो गया। पुलिस के अनुसार घायलों को होश नहीं आ पाने से सभी जांच आगे नहीं बढ़ पाई है। होश आते ही पूछताछ की जाएगी। वो एक बाइक में चार लोग सवार होके जा रहा था, उसमें से जो अपने बीआरटीएस की कॉरिडोर बने हैं उसके अंदर उन्होंने एक वाहन को ओवरटेक करने की कोशिश किया तो एक्सीडेंट हो गया और तत्काल वहाँ पे स्पॉट पे ही दो लोगों की मृत्यु हो गई। दो लोगों के पुलिस और वहाँ के लोगों ने मिलके हॉस्पिटल पहुँचा दिया, तो अभी गंभीर रूप से वो लोग घायल हैं। सर, इसमें जो मृतक हैं कहाँ के रहने वाले हैं सर, कोई जानकारी? ये लोग छिंदवाड़ा के रहने वाले हैं, युवा लोग हैं, तो अभी उनके घर वालों को भी सब सूचना दी, वो लोग सब आए हैं, अभी आगे की कार्रवाई भी कर रहे हैं और बीआरटीएस के अंदर और हम सख्ती से वाहन चेकिंग, दूसरा अन्य कोई वाहन ना आ जाए तो उसके लिए भी हमने ट्रैफिक और स्थानीय पुलिस को बता दिया, निर्देश दिया है। भोपाल से उमेश यादव की रिपोर्ट।